आप देख रहे हैं दैनिक रोक ठोक लेखनी। नवी मुंबई के तलोजा में कस्टम विभाग ने नष्ट किया लगभग 500 करोड़ की कीमत का ड्रग्स। डीआरआई व कस्टम की छापेमारी में बरामद हुए थे ड्रग्स। नवी मुंबई के तलोजा में कस्टम विभाग की टीम ने छापेमारी में बरामद ड्रग नष्ट। अधिकारी ने बताया कि हम हर साल छापेमारी में मिला ड्रग नष्ट करते हैं। इस साल करीब 656 किलो ड्रग नष्ट किया जाएगा। एनडीपीएस अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अनुसार नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों को नष्ट किया जाता है। इन सामानों को विभिन्न तस्करी विरोधी अभियानों में और ऐसे अपराधों के अपराधियों के खिलाफ अनुवर्ती कार्रवाई राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई के साथ साथ विभिन्न द्वारा जब्त किया गया था। प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क निवारण मुंबई के अधिकार क्षेत्र में सीमा शुल्क संरचनाएं संबंधित जांच इकाइयों ने इन सभी मामलों में अपनी जांच पूरी कर कानूनी औपचारिकताएं पूरी की है। क्या कहना चाहेंगे सबसे बड़ा कस्टम का जो ड्रग्स है डिस्ट्रॉयड होने वाला? देखिए, इसमें जो है ना, आपके इस बारे में सूचित करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है एनडीपीएस ड्रग्स जो है, एनडीपीएस ड्रग्स का जो मैनेस है, ड्रग्स का मैनेस बहुत बड़ा मैनेस है, पूरे देश को मालूम है इसका। तो इसमें जो है सभी एजेंसियां जो अलर्ट रहती हैं और हमारा एंडेवर जो रहता है कि इसका डिस्ट्रक्शन जो है एज अर्ली एज पॉसिबल किया जाए। अब क्योंकि जो एनडीपीएस केसेस में ट्रायल में समय लगता है, लेकिन उसमें एनडीपीएस एक्ट के अंदर प्रावधान है जिसके तहत कि हम लोग जो है मजिस्ट्रेट से परमिशन ले गए, उनके सामने वेरिफिकेशन करवा कर उनसे बिना ट्रायल से पूर्व ही उसका डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो इस प्रोसेस में हम लोग जो है उस कार्रवाई को संपन्न करते हुए आज जो है एक लगभग 656 केजी नारकोटिक्स ड्रग्स का डिस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। और आपको एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जैसे हमने पिछले साल भी जो है डिस्ट्रक्शन किया था और इस साल अगेन हम 656 किलो नारकोटिक्स ड्रग्स का डिस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, विच इंडिकेट विच इज़ ए रिफ्लेक्शन एंड विच इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ आवर कस्टम डिपार्टमेंट कि हमने एक साल में फिर दोबारा 656 केजी को हम पकड़ने में सीज हुए, उसको डिस्पोजल करने में सक्षम हुए हैं। और इसके अलावा तो ये जो है एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, तो इसमें जैसे 656 केजी में 310 किलो तो उसमें हीरोइन है, 50 किलो मेफेड्रिन है और 296 किलो कैटामाइन है। इसके अतिरिक्त जो है हम लोग जो है आज जो है 19 मैट्रिक टन सिगरेट जो कि स्मगल्ड सिगरेट्स हैं उसका भी डिस्ट्रक्शन हमारा प्रस्तावित है आज। 19 मैट्रिक टन सिगरेट्स का मतलब यह है, लगभग आप समझिए तो 10 मिलियन स्टिक्स या लगभग 1 करोड़ स्टिक जिनकी अनुमानित वैल्यू जो है 15 करोड़ रुपए है, उसका भी डिस्ट्रक्शन आज प्रस्तावित है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जब तक ये डिस्ट्रक्शन का कार्य संपन्न नहीं होता आप सब यहाँ पे उपस्थित रहें। ये सारा डिस्ट्रक्शन जो है, चाहे नारकोटिक्स का ड्रग्स का जो डिस्ट्रक्शन है, एक हाई लेवल कमेटी के समक्ष किया जाएगा। उसमें हाई लेवल कमेटी में हमारे जो है डिफरेंट फॉर्मेशंस के अधिकारी उपस्थित रहेंगे, इंक्लूडिंग हमारा विजिलेंस सेक्शन के डिपार्टमेंट के अधिकारी उपस्थित रहेंगे।